से हो रही बैठक में गहलोत के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत आला नेता मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी ने आज जोधपुर संभाग मानवेंद्र सिंह समेत कई मुद्दों पर मंथन किया, साथ ही पूर्व सांसदों को चुनाव में उतारने पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि कमेटी दो नामों का पैनल तैयार कर सीसी को भेजेगी और बैठक में टिकटों का पैनल फाइनल करने के बाद कल दोपहर 3 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी लिस्ट को फाइनल करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि करीब 125 नामों की पहली लिस्ट को जारी किया जाएगा। उधर सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार सबकी सहमति से अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा। वहीं गठबंधन पर पायलट ने कहा है कि प्रोटोकॉल और पॉसिबल होने पर राहुल गांधी ही फैसला करेंगे। सर आपके लिए किस तरह टिकटों का चेन का काम चल रहा है? बहुत ही स्मूथली चल रहा है, सभी लोग मिलकर अपनी राय दे रहे हैं। उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करेगी और कल होगी सीसी, उसके अंदर डिस्कशन होगा, उसके बाद फैसला होगा। सभी नेता लोग मिलकर कह रहे हैं, अपनी अपनी राय देने सबको हक है, उसके बाद में सब मिलकर के अपनी राय देने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी विश्लेषण करेगी, फिर नाम भेजेगी सीसी के अंदर, सीसी में डिस्कशन होगा, उसके बाद फैसला होगा। इसलिए कोई तरह की तकलीफ नहीं है, सब स्कूल ही चल रहा है। राजस्थान में काफी उत्साह देख रहे हैं आप लोग, उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में लोगों का मन बन चुका है। वसुंधरा जी का जो कुशासन रहा है उसका अंत करने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। सर पहली लिस्ट कब तक मानी जाए? सर अब कल के बाद में कभी भी हो सकता है, कल के बाद में कभी भी हो सकता है, कल के बाद में कभी भी निकल सकती है। ठीक है, नमस्कार। तो दिल्ली में स्थित कांग्रेस का वॉर रूम, जहां पर ये बैठक का सिलसिला जारी था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस बैठक में मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और इसके साथ ही कई आला नेता भी मौजूद रहे, जहां पर कोशिश की जा रही है कि सभी नेताओं में जो टिकटों को लेकर रायशुमारी है वो एक मत सामने आए और जो बात सचिन पायलट ने पहले की वही बात इस दौरान अशोक गहलोत कहते भी नजर आए और ये साफ कर दिया है कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट है वो कल आएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी अंतिम फैसला देंगे उन नामों पर। और उसी के बाद यहां पर ये साफ कह दिया है अशोक गहलोत ने कि सीसी की बैठक होगी और उसी बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम है और कहां कहां से नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी यहाँ पर बाहर मौजूद है, जमावड़ा सबका, और कुछ विरोध की भी तस्वीरें यहाँ पर नजर आई, कुछ आवाजें भी यहाँ पर बुलंद हुई, कहीं ना कहीं कुछ जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर ही नाराजगी यहाँ पर लोगों की देखने को मिली। लेकिन फिलहाल जब मीडिया से बातचीत वो कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि आज भी टिकटों को लेकर जो नाम तय किए गए हैं, 150 तकरीबन ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर एक पैनल के नाम तैयार किए गए हैं, तो कुछ सीटों में दो पैनल के नाम भी तैयार किए गए हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो राहुल गांधी का होगा और वो अंतिम फैसला राहुल गांधी कल लेंगे जब सीसी की बैठक होगी। तो कल हम कह सकते हैं कि दोपहर बाद कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है।